नमस्कार, ये दिल्ली है, भारत का राजधानी, और बगल में ही हमारे मुख्यमंत्री जी का सचिवालय है। आप देख रहे हैं, ये सचिवालय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, और उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था किया हुआ है पूजा सामग्री डालने के लिए। उन्होंने कहा कलश में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कलश ठीक नहीं है। देखिए, इसमें बच्चा निकल रहा है, और उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली वालों को ऐसे ही व्यवस्था चाहिए, और उन्होंने ये व्यवस्था किया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत व्यवस्था है, हमें लगता है कि दिल्ली वासी बहुत ही खुश होंगे उनके इस व्यवस्था से। और हमने उनको चिट्ठी लिखी थी कलश की व्यवस्था के द्वारा, लेकिन उनको पसंद नहीं आया होगा, पता नहीं क्या बात है, लेकिन ये जो है बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था है। अब ये देखिए, लोगों ने इसके अंदर जो है रहने की व्यवस्था बना दिया है, ठीक है ना। अब इसमें बच्चे लोग जो है, ये अभी इसमें से निकला था, इन्होंने घर बना लिया इसके अंदर रहने के लिए, और इससे दिल्ली का सरकार संतुष्ट है। और बड़ा दुख का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, और पूजा सामग्री भगवान से जुड़ा हुआ चीज़ जो है, हाँ देखिए, बच्चा कभी भी नीचे गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, और बच्चों ने तो इसके अंदर रहने की व्यवस्था बना दिया है, और ये कमाल की बात है। और बगल में सचिवालय है। अब ये देखिए, ये पूजा सामग्री लेके आए हैं, और ये बच्चे जो है ये पूजा सामग्री इनसे लेंगे, और उसके बदले उनसे कुछ अनुदान लेंगे। ये देखिए, और ये वो ले रहे हैं। और इसी तरह का हमारा दिल्ली में कार्य होता है। देखिए, हमारा जो कलश का सिस्टम था उसमें आदमी खुद खड़ा रहता था कलश का। ये देखिए, इन्होंने ले लिया, इधर पैसा भी मिल गया इनको, और ये जो है ये फिर ये मुना के अंदर डाल दिया जाएगा। ये देखिए किस तरह जो है पूजा सामग्री को किया गया, क्या ये व्यवस्था चाहिए। इस तरह न करें, भगवान के साथ इस तरह खिलवाड़ न करें। हाँ, ये देखिए, हाँ, भगवान के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें।